हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, चलिए अभी चलते हैं छत पे। तो एकदम से ना आवाज़ आने लगी थी कि ना जैसे बारिश होने लग जाती है ना, तो इस तरीके से ना पानी टपक रहा था और बारिश वगैरह जैसे बूंदे पड़ जाती है। क्योंकि मैं अभी सो के आई थी तो मेरी आँख खुली है, ये अभी मतलब दिन के 3 बज रहे थे। तो मैं ना जैसी बारिश होती है तो मैं छत के ऊपर आती हूँ, फिर इन कपड़ों को मैं इधर स्टीन के अंदर डाल जाती हूँ। बट ना अब ये देख लीजिए, मौसम बिल्कुल साफ़ है, बट ना बादल अभी भी हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मौसम साफ़ है, ऐसी बात नहीं है, बादल अभी भी हैं। और ये कपड़े जो मैं बारिश के जब स्टार्ट हो गई थी तो मैं इन कपड़ों को इधर में लटका गई थी। और ये थोड़े से बैग वगैरह हैं, इनको भी मैंने धुल दिया था, तो इनको भी ना इनको मैं नहीं हटाऊंगी, इनको यहीं टंगा रहने दूँ। क्योंकि मैं इसको ना छोटे से तार पे, यानी कि जो ज़मीन से बिल्कुल सटा हुआ तार है, उसके ऊपर मैं कैसे इसको लटका दूँगी? ये मतलब कि घसीटते रहेंगे, हवा चलती है ना तो इधर से उधर, उधर से इधर, ऐसे ऐसे होंगे। तो मतलब इनको यहीं लटका रहने देती हूँ और बाकी के जो कपड़े हैं उनको मैं उठा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, इधर मैं भी कितनी पागल हूँ। इधर इस खाट के ऊपर जो कपड़े पड़े हुए थे ना, तो इसको मैं ना इसको खाट को मैं अगर ना ऐसे ही निकाल देती यहाँ पर, तो ना ये ऐसे ही सूख जाते हैं। तो देख लीजिए, हम ना पागल ये कपड़े हाथ में बटोर लिए और फिर से ना वो खाट निकाल के और फिर से वही कपड़े खाट के ऊपर डाल रही हूँ। तो मतलब ऐसे भी निकाल सकती थी, इतना मेरा दिमाग काम नहीं किया। मतलब मेरा ये इरादा नहीं था मैं खाट पे कपड़े डाल दूँ, बट खाट पे ना मैं इसलिए डाल रही हूँ कपड़े क्योंकि जैसे ही बारिश होएगी ना तो मैं सीधी खाट लेके टीन के अंदर रख दूँगी। और ये साड़ी वगैरह है, इसकी फॉल वगैरह नहीं सूखी है वैसे तो, और ये सूख ही चुकी है। और टॉवल वगैरह है, इसको ना मैं इधर तार पर लटका दूँगी। और ये साड़ी है जो मैं इसको ना इधर भीत के ऊपर लटका दूँगी। तो आप ना देख रहे हैं अभी घाम नहीं है, मतलब मौसम खुल गया है, ऐसा हवा हवा सी थोड़ी बहुत चलने लगी है, घाम नहीं निकल रही है अभी। बट ना ये कपड़े हैं जो इनको मैं इसलिए खुले में इधर डाल रही हूँ सूखने के लिए, ताकि इनमें थोड़ी बहुत भी ना अगर इसमें नमी बाकी है ना, तो आपको तो पता है चौमासे के अंदर अगर ना थोड़ी सी भी कपड़ों के अंदर नमी रह जाए तो बहुत ज़्यादा स्मेल करने लग जाते हैं, बदबू आने लग जाती है इनमें। तो इसलिए मैं इन कपड़ों को इधर तार पे लटका रही हूँ और ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरीके से सूख जाए। हो सकता है धूप ही निकल जाए, कोई भरोसा थोड़ी है मौसम का, कुछ भी हो सकता है। वो तो आजकल है ना गूगल इंटरनेट का है जो साधन, तो आज ना हम तो मौसम की भी पता कर सकते हैं। वैसे तो दूरदर्शन पे जो नेशनल टेलीविजन जो समाचार आया करते थे ना, तो उस पर ही पता चलता था मौसम विभाग के जरिए क्या है मौसम किस तरीके से। तो अब भी ना कुछ ना जैसे ना जैसे जो मेरी एज के हैं और थोड़े से मेरे से मतलब कि 5-6 साल छोटे भी हो हैं, 5-10 साल छोटे भी हो सकते हैं, 5-6 साल मान लीजिए, उनको तो पता होगा नेशनल टीवी, क्योंकि पहले नेशनल टीवी बहुत ज़्यादा था और फिर ये DDH आ गया, और मतलब DDH यानी दूरदर्शन, और फिर ना ये अपना डाटा, ये बोल पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर डिसकनेक्शन होने लगे घर घर, अब तो मतलब वाईफाई है, तो बहुत समय के अनुसार परिवर्तन हो गया है। तो ये देख लीजिए, मौसम भी तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये मेरे गांव का मौसम है, ये बादल हो रहे हैं और कितना सुंदर है, देख लीजिए मेरा गाँव, चारों तरफ हरियाली हरियाली है, पेड़ ही पेड़ है। आपको ऊंचे मकान बहुत कम मिलेंगे, ज़्यादातर आपको पेड़ ही पेड़ मिलेंगे। ये देखिए कैसा लगा आपको मेरा गांव, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कमेंट करके। और ये कपड़े मैंने इधर डाल दिए, ये बैग अभी सूखा नहीं है, इसको यहीं टंगा रहने देती हूँ और ना ही मैं इसको बाहर टांगूँगी, अभी यहाँ पर मैंने लटकाया हुआ है तो सूख ही जाएगा। तो एक बार फिर से गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे सुबह को मैं फिर से आ गई हूँ काम करने के लिए। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। इधर मैं पत्ता गोभी की सब्जी काट रही हूँ, पत्ता गोभी बनने जा रहा है आज, कैबेज आलू, कैबेज भी डालू। किस किस को सब्जी अच्छी लगती है पत्ता गोभी की,
मेरे हिसाब से तो थोड़े लोग खाते होंगे, ज़्यादा को नहीं पसंद है ये पत्ता गोभी की सब्ज़ी, क्योंकि मुझे पता है रोज़ रोज़ पत्ता गोभी खाना किसको पसंद है। बट चलो बहुत दिन बाद मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी, जैसे सर्दियों में बनाते हैं ना, तो सर्दियों में तो अपना आपको पता है हफ्ते में एक या दो बार तो बन ही जाता है। और बट ना क्योंकि सर्दियों के टाइम में आपको तो पता है सब्ज़ी बहुत ज़्यादा होती है, मटर हरी सब्जियाँ बहुत होती है, मटर गोभी आलू ये सब बहुत ज़्यादा सब्ज़ियाँ होती हैं, और इधर होती तो है लौकी वोकी कद्दू वद्दू, बट ना ये पत्ता गोभी की मैं इधर बात कर रही हूँ। जैसे ना काफ़ी दिनों बाद बनाते हैं ना तो ये खाने में टेस्टी लगती है, वरना ना पत्ता गोभी ना ज़्यादा टेस्टी नहीं लगती है। तो इधर मैं ना पत्ता गोभी को ना भून के बनाऊँगी। तो मैंने इधर ना पहले ना पत्ता गोभी को मैंने इधर धुल लिया था, और उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, मतलब कि इसको छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, और साथ में ही मैंने इधर दो बड़े साइज़ के आलू लिए थे मैंने इधर, तो उनको भी मैंने कट कर लिया है। इस पत्ता गोभी को मैंने फ्राई करूँगी गरम तेल के अंदर, और फिर फ्राई करने यानी गोल्डन ब्राउन करने के बाद इसको कढ़ाई में से निकाल लूँगी। कढ़ाई में से निकालने के बाद फिर ना इसको मैं जो अपना लहसुन प्याज वगैरह मसाला बनाया ना, फिर ना उसको तेल के अंदर मैं उसको भून लूँगी। उसको भूनने के बाद उसमें नमक हल्दी धनिया मिर्च ये डाल दूँगी, पत्ता गोभी डाल दूँगी, आलू डाल दूँगी, फिर थोड़ा सा पानी डाल उसको भूनती रहूँगी, फिर थोड़ा सा पानी डाल के उसको ढककर लो फ्लेम पे पक जाने दूँगी। सब्ज़ी अपनी अच्छी तरीके से पक जाए, यानी कि ना जो आलू के अंदर एकदम से पत्ता गोभी थी ना जो लिपट जाए, तो बस इसी तरीके से मुझे बनाना है। हल्का सा चुटकी भर गर्म मसाला ऐड करूँगी, टमाटर वगैरह इसके अंदर नहीं डलता, नहीं तो पत्ता गोभी जल्दी पकती नहीं है और अच्छी भी नहीं लगती है। तो मैं बिना टमाटर के बनाती हूँ, ओनली आलू और पत्ता गोभी और मसाले वगैरह, बस यही स्पाइसेस मसाले होते हैं। तो उसको बनाने के बाद फिर फ्रेंड्स मैं इधर आ गई थी और करने लगी हूँ इन बर्तनों को साफ़, क्योंकि ना आपको तो पता है खाना ना बनाने के बाद फिर आती है बर्तन की बारी। तो इधर मेरे को भरना है पानी, ये टब खाली रखे हुए हैं, तो इनको पहले मैं बर्तनों ये टब वगैरह मांझ लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं बर्तन बर्तन मांझूँगी। पहले मैं बड़े बड़े बर्तन कर लेती हूँ, क्योंकि पानी आ गया है, पानी अभी और कोई भर रहा है पीछे ना, देख रहे हैं नीला वाला पाइप है, इसी के अंदर एक ना वाइट वाला पाइप है वो भी फिट कर रखा है, और उसी से पानी अभी भरा जा रहा है। तो अभी ना मुझे पाइप मिलेगा, जब उनका पानी भर जाएगा फिर उसके बाद मैं अपना पानी भर लूँगी। फिर इधर मैं ना पहले ना इन टब को मांझ लेती हूँ, मांझने के बाद फिर मैं इन छोटे छोटे बर्तनों को मांझ लूँगी। कढ़ाई हो गई है बहुत ज़्यादा मेरे लिए, क्योंकि मैं गई हुई थी यहाँ पर थी नहीं, तो इसलिए कढ़ाई ना लोहे की बहुत ज़्यादा काली कर रखी है, गंदी कर रखी है। तो मैं ना सोच रही थी पीतांबरी मंगा लूँ, पीतांबरी से ना कोई भी पीतल और पीतल तांबे के बर्तन होता वो साफ़ हो जाते हैं, बट ना लोहे की कढ़ाई इतनी जल्दी साफ़ नहीं होती, क्योंकि चिकना बर्तन पीतांबरी से साफ़ नहीं होता है। अगर साफ़ ही करना है तो उसको नींबू या फिर साटरी वगैरह से उससे साफ़ हो जाती है जल्दी, बट ना साटरी से साफ़ तो कर लें तो ना ये लोहा ना इतनी जल्दी काला पड़ जाता है, यानी कि मैं कढ़ाई को जैसे ही ना ऑयल गर्म करने के लिए हीट करती हूँ ना, तो कढ़ाई ना ऑटोमेटिकली ऑयल के साथ साथ एकदम काली पड़ जाती है। तो ये साटरी मांझने के बाद से ही हो रहा है, वरना पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि मैंने बहुत बार साटरी से साफ़ किया था इसको, तो चमक तो जाती है, बट ना जैसे ही मैं गैस के ऊपर इसको रखती हूँ ना, नेक्स्ट टाइम मतलब जब भी सब्ज़ी मुझे बनानी होती है, तो जैसे ऑयल धीरे धीरे ऑयल गर्म होता है उसी के साथ साथ ना कढ़ाई भी काली पड़ने लग जाती है। और जैसे मैं पहले ना सैट्रिक एसिड से नहीं मांझती थी मैं, तब ये कढ़ाई ऐसी नहीं होती थी, और क्योंकि मैं पहले जो चूल्हे की रेख मट्टी होती है ना और सरफ होता है उससे मैं इस कढ़ाई को साफ़ करती थी, उस टाइम में ना कढ़ाई भी चांदी की तरह चमकती थी। बट है ना आजकल इतना टाइम कहाँ है, साटरी ली फटाफट से कढ़ाई में डाल दी और ना प्लास्टिक या फिर ना लोहे स्पंज वाला ना ब्रश ना फेर दिया, बस होगी कढ़ाई साफ़। इस ये कोई कढ़ाई साफ़ नहीं होती फ्रेंड्स, पहले बहुत टाइम लग जाता था कढ़ाई को साफ़ करने में। लाइट कभी आ रही है कभी जा रही है, आप सुन रहे हैं इन्वर्टर बोल रहा है बार बार, और इधर मेरे को हिचकी भी आने लगी है, पता नहीं आज मुझे लगता है मेरी मम्मी याद कर रही हैं इसीलिए मुझे हिचकी आ रही है। तो फ्रेंड्स है ना जब भी ना हिचकी आती है तो ऐसा लगता है कौन याद कर रहा है, जो हिचकी आ रही है किसी का नाम ले दो तो हिचकी बंद हो जाती है, तो ऐसा ऐसा पहले बोलते थे। तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा करती थी इस तरीके से, जैसे बचपन में जैसे ये सब मतलब एक बात होती है, छोटी आंत बड़ी आंत होती है, खाना अपना डाइजेस्ट नहीं होता है उसके कारण से ही हिचकी हिचकी आने लग जाती है, तो बचपन में ये बहुत ज़्यादा। तो देख लीजिए फ्रेंड बचपन की आदत अभी भी नहीं छूट रही है ना, मैंने अभी मेरे को हिचकी आई तो मैंने बोल ही दिया, वैसे मेरी तो आदत नहीं छूट रही है, और ना
मैं बोल दिया मैंने कि हिचकी आ रही है, तो फ्रेंड से ना इधर ना मैंने ये टब वगैरह साफ़ कर लिया है, ये ड्रम स्टील के वगैरह ये साफ़ करना है, ये धुलना है, और साथ में ही ये देखिए एकदम चमचमा गया है, बहुत दिनों का मैला पड़ा हुआ था ये, और एकदम से बिल्कुल साफ़ हो गया। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया साफ़ हुआ है, एकदम चमक रहा है, एकदम चमक मार रही है कड़ाके की। तो इसको एक बार इसमें फंसा देती हूँ, इधर से उधर मुझे भागना होता है स्टैंड को सही करने के लिए। ये जब तक मैंने स्टैंड सही लगाया तब तक तो ये ड्रम भर चुका था, फिर मैं आ जाती हूँ फटाफट से इस प्लास्टिक वाले को भर लूँ, क्योंकि अभी 3 जनों का पानी और भरने को है, यानी कि 3 घरों का पानी अभी छत पे और भरना है। तो मैं अभी इतना भर लेती हूँ, और 2 टब ही मुझे अभी भरने हैं, और बस है ना मुझे अब नहीं भरना है, क्योंकि मैं जाऊँगी सीधी ना बाथरूम में, जो उस साइड जो वाइट वाला पाइप आप देख रहे थे ना मेरे पीछे था वही वाला, तो वो सीधा बाथरूम को जाता है, तो उधर मैंने 2 टब भर के रख रखे हैं, तो कपड़े धोने को हो जाएगा और 1 टब से नहाने को हो जाएगा। तो इसको मैं ढक के अभी चली जाऊँगी, ये नेक्स्ट डे सुबह मेरे काम आएगा। तो इस तरीके से मेरा ये पानी भर चुका है, तो अब मैं ये स्टील वाला जो तसला है इसको मैं भर लेती हूँ, और इसको मैं पाइप को इधर रख देती हूँ, और ये थोड़ी थोड़ी ये बर्तन है इनको कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को ना स्कूल भेजने के बाद फिर मुझे टाइम नहीं मिला था कि मैं इन बर्तनों को मांज लूँ, बट मैं अभी फ्री हो चुकी हूँ, तो चलो अब इन बर्तनों को साफ़ कर लेती हूँ। इसी के साथ फ्रेंड्स, ये भी आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, और ऐसे ही अपना प्यार हमेशा मुझ पर बनाए रखिएगा, अपना साथ बनाए रखिएगा। फिर से मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।